पर्यावरण अध्ययन कक्षा चार पाठ पाँच यात्रा ऋचा की दूसरा भाग। पिछले वीडियो में हमने ऋचा की डायरी से दिनांक 17 अक्टूबर की रेल यात्रा जाना। आज हम ऋचा की डायरी से दिनांक 18 अक्टूबर की रेल यात्रा पढ़ेंगे, साथ ही रेलवे में कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों के बारे में भी जानेंगे। जब नींद खुली तो बाहर का दृश्य बदल चुका था। झारखंड की उबड़ खाबड़ पठारी जमीन जंगल पीछे छूट चुके थे। दूर दूर तक फैले सपाट खेत नजर आ रहे थे। पता चला कि कानपुर स्टेशन आ रहा है। बाहर सूर्योदय का शांत मनोहर दृश्य दिख रहा था। सूर्य एक गोले के रूप में दिख रहा था। कानपुर स्टेशन पर बहुत लोगों ने अपनी बोतलें में पानी भरा, कुछ ने अपने लिए बॉटल बंद पानी खरीदा। ट्रेन में हमें चाय बिस्किट दिया गया। बाहर खेतों में बाजरे के पौधे लहलहा रहे थे। तभी एक रेलवे फाटक आया, उसके दोनों ओर स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बस, बैलगाड़ी और टांगे वाला भी ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहा था। मैंने सुना था कि मानव रहित रेलवे फाटक पर बहुत लोग बंद फाटकों के बीच से निकलने लगते हैं। कान में ईयरफोन लगाकर मोटरसाइकिल सवार भी रेल के इंजन की आवाज नहीं सुन पाते और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। हमारी ट्रेन तेजी से गुजर रही थी। कई बार दूसरी ट्रेन बिल्कुल बगल से गुजरती थी। लगता कि हम रुके हुए हैं और वो ट्रेन चली जा रही थी। मैंने एक दो बार कोशिश की उन ट्रेनों में लिखे नाम को पढ़ सकूं, पर स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बीच बीच में स्टेशन आ रहे थे, अलीगढ़, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के शहर तेजी से पीछे छूट रहे थे। तभी ट्रेन चलने की आवाज बदल गई, खट खट खट। मैं खिड़की से देखा, ट्रेन एक नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी। पटरी के नीचे पानी ही पानी था। कुछ मुंह धोते और नहाते हुए लोग नदी में दिख रहे थे। पता चला ये यमुना नदी है। हम दिल्ली पहुंच ही रहे हैं। मन में खुशी थी, बड़े माँ पापा से मिलने की उत्सुकता भी थी। हमारे देश की राजधानी दिल्ली कैसी है? अरे यह क्या, एक ट्रेन तो सड़कों के ऊपर वाली पुल की पटरियां पर चल रही है। कुछ लोगों ने बताया ये दिल्ली की मेट्रो ट्रेन है। मैंने सोचा इसमें भी बैठना चाहिए, तभी संदेश प्रसारित हुई, हम नई दिल्ली आ पहुंचे हैं। ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगेगी। दिन में 10:50 हुए थे। रांची से दिल्ली की यात्रा पूरी हुई। तो अभी हमने ऋचा की रेल यात्रा को जाना। आइए अब कुछ रेल कर्मचारियों से परिचित होते हैं। ट्रेन ड्राइवर, ये रेल चलाने का काम करते हैं। गार्ड, रेलवे गार्ड रेल के खुलने व रुकने के काम को नियंत्रित करते हैं। टीटी, ये यात्रियों के टिकट चेक करते हैं। सफाई कर्मी, रेलवे स्टेशन व रेल की साफ सफाई का ध्यान रेलवे सफाई कर्मी करते हैं। रेलवे पुलिस, रेलवे की सुरक्षा का काम इन पर होता है। कूली, कूली हमारी यात्रियों के सामान को ढोने का काम करते हैं। आइए अब आपके लिए प्रश्न है। अपने बस या रेल यात्रा के बारे में आपको लिखना है। दूसरा, मानव रहित रेलवे पार करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।